हजार से ज्यादा घर जलाए गए, कश्मीरी पंडितों महिलाओं के साथ रेप हुए, अत्याचार हुए, तो उसका आज तक इन्होंने कोई हिसाब दिया? उनके घर जलाए गए, उसका कंपनसेशन मिला, उनकी जमीनें इस टाइम ग्रैब की है जबरदस्ती, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ है और यह साइलेंट है। यहाँ से आप एप्लीकेशन भेजो वो रिजेक्ट हो जाती है। पिछले कई सालों से एक मुद्दा जो है वो बना हुआ है कि आखिर जो घाटी से कश्मीरी पंडित बेघर हुए थे उनको घर कब मिलेगा, कब वो अपने घर वापस जा पाएंगे। मैं घाटी की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो पूरे इरादे हैं कि कश्मीरी पंडित को वापस बसाया जाए, लेकिन जो ये गुप्तार गैंग के लीडर्स हैं, इन्होंने 32 साल पहले कश्मीरी पंडित को निकालने की पूरी साजिश इसमें इनका हाथ था। हमें भारत के साथ है, हमें भारत का झंडा चाहिए, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा नहीं चाहिए। ये वही झंडा है जिसके तहत कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ना पड़ा, ये वही झंडा है कि लाखों की तादाद में कश्मीर के नौजवान वहां भटके और शहीद हुए, और ये वही झंडा है कि आतंकवाद कश्मीर में इस टाइम भी आप देखिए आतंकवाद की क्या सिचुएशन है। और ये बात करते हैं कि हमें हल हमारा अपना झंडा दीजिए, कौन सा झंडा? जिसको झंडा चाहिए वो जाके पाकिस्तान मांगे, वो जाके चाइना। जब केंद्र सरकार ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से टाउनशिप बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी ने, और यही गुप्कार गैंग के लीडर्स हैं महबूबा मुफ्ती जिसने कहा कि नहीं कश्मीरी पंडितों को कोई अलग टाउनशिप नहीं मिलेगी। पेंशन भी बंद करने चाहिए, पैसा हिंदुस्तान का लेते हैं, गाड़ियां हिंदुस्तान की यूज करते हैं, ऐशो आराम हिंदुस्तान में, और बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं ये पाकिस्तान की। इन लीडरों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एनआईए इनके लिए कुछ भी नहीं है, एनआईए की मामूली सी जांचें इनके लिए कुछ नहीं है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनका इरादा ही नहीं है, मकसद ही नहीं है कश्मीरी पंडितों को वापस लाना, इनके ये तो खुश है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के भाग गए। पिछले कई सालों से एक मुद्दा जो है वो बना हुआ है कि आखिर जो घाटी से कश्मीरी पंडित बेघर हुए थे उनको घर कब मिलेगा, कब वो अपने घर वापस जा पाएंगे। मैं घाटी की बात कर रहा हूं, और तमाम राजनेताओं ने बातें तो कही कि हम कश्मीरी पंडित को घाटी वापस ले जाएंगे और वहीं पर बसाएंगे, लेकिन अभी तक ये सिर्फ बातें हैं, ग्राउंड स्थिति कुछ भी नहीं है। और एनसीपी के यूथ लीडर इनसे बातचीत करेंगे कि डीडीसी चुनाव भी हो चुके हैं और इससे पहले भी बहुत सारे चुनाव हो चुके हैं, कि अब लगता है कि घाटी में वापस लौटाया जाएगा कश्मीरी पंडित को, जो 90 के दशक में उन्हें घर अपना छोड़ना पड़ा। किलम साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। किलम जी, क्या लगता है आपको कि अब चुनाव भी हो गए, बड़ी बड़ी बातें भी होगी, क्या लगता है आपको कि अब कश्मीरी पंडित को उनके अपने घर वापस ले जाने में सहायता करेगी गवर्नमेंट? देखिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो पूरे इरादे हैं कि कश्मीरी पंडित को वापस बसाया जाए, लेकिन जो ये गुप्कार गैंग के लीडर्स हैं, इन्होंने 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों को निकालने की पूरी साजिश इसमें इनका हाथ था। तो आप मुझे ये बताइए, ये चाहते ही नहीं है कि कश्मीरी पंडितों का कोई मसला हल हो। उनकी ज़मीनें वहाँ एनक्रोचमेंट है, 20,000 से ज़्यादा घर जलाए गए, कश्मीरी पंडितों महिलाओं के साथ रेप हुए, अत्याचार हुए, तो उसका आज तक इन्होंने कोई हिसाब दिया? उनके घर जलाए गए, उसका कंपनसेशन मिला, उनकी ज़मीनें इस टाइम ग्रैब की है ज़बरदस्ती, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ है और यह साइलेंट है। यहाँ से आप एप्लीकेशन भेजो वो रिजेक्ट हो जाती है। हज़ारों कनाल कश्मीरी पंडितों के ग्रैब की है, और आपको उम्मीद लगती है कि ये गुप्कार गैंग के लीडर्स जो है ये फिर चाहेंगे कश्मीरी पंडित वापस आए? जब केंद्र सरकार ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से टाउनशिप बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी ने, और यही गुप्कार गैंग के लीडर्स हैं महबूबा मुफ्ती जिसने कहा कि नहीं कश्मीरी पंडितों को कोई अलग टाउनशिप नहीं मिलेगी, इनका इरादा ही नहीं है, मकसद ही नहीं है कश्मीरी पंडितों को वापस लाना, इनके ये तो खुश है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के भाग गए। तो किम साहब, आपको क्या लगता है कि इन डीडीसी चुनावों में अब कश्मीरी पंडित भी कोई जो है जीते होंगे, जो जिन्होंने डीडीसी चुनावों में पार्टिसिपेट किया होगा, क्या लगता है कि वो अपनी बात अब रख पाएंगे मजबूती से और प्रेशर बनाएंगे कि कश्मीरी पंडितों को? सबसे पहले हमें इस बात की खुशी है, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि बीजेपी की हार हुई, महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी की हार हुई, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, ये आप सब गुप्कार गैंग को करारा थप्पड़ मिला कि आप महबूबा मुफ्ती कहती थी कि कश्मीर में हमें अपना झंडा चाहिए तब जाके हम इलेक्शन लड़ेंगे। लोगों ने साबित कर दिया हमें भारत का झंडा चाहिए, हमें तुम्हारा कोई अलग सा झंडा नहीं चाहिए, हमें कोई हल नहीं चाहिए, हमें कोई 370 नहीं चाहिए। इससे चाहे वोट बेशक उन्होंने एनसी को दिए, कांग्रेस को दिए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम भारत के साथ है, हमें भारत का झंडा चाहिए, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा नहीं चाहिए,
ये वही झंडा है जिसके तहत कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ना पड़ा, ये वही झंडा है कि लाखों की तादाद में कश्मीर के नौजवान वहां भटके और शहीद हुए, और ये वही झंडा है कि आतंकवाद कश्मीर में इस टाइम भी आप देखिए आतंकवाद की क्या सिचुएशन है, और ये बात करते हैं कि हमें हल हमारा अपना झंडा दीजिए। कौन सा झंडा? जिसको झंडा चाहिए वो जाके पाकिस्तान मांगे, वो जाके चाइना, इनका दिल जो है वो धड़कता है चाइना में और रहते हिंदुस्तान में। अगर इतना है तो इनके तो पेंशन भी बंद करने चाहिए, पैसा हिंदुस्तान का लेते हैं, गाड़ियां हिंदुस्तान की यूज़ करते हैं, ऐशो आराम हिंदुस्तान में, और बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं ये पाकिस्तान की। इन लीडरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। NIA इनके लिए कुछ भी नहीं है, NIA की मामूली सी जाँचें इनके लिए कुछ नहीं है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि अब केंद्र में भाजपा सरकार है, भाजपा ने कहा था कि हम जितने भी कश्मीरी पंडित था उनको घाटी जो है ले जाएंगे उनके अपने घर, तो यूटी में कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं कमियां नजर आ रही हैं? देखिए कमियां, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक रियलिटी बता रहा हूं कि 70 साल इन्होंने इस जम्मू कश्मीर को लूटा है, इन गुप्कार गैंग के लीडर से 70 साल जम्मू के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है, जम्मू के महिलाओं के साथ, आप देखिए उनकी सुनवाई नहीं होती है, पुलिस स्टेशन में जाइए, कहीं जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, 70 साल इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, 370 के नाम पर कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया, कश्मीर के लोकल्स नौजवान को इनने टारगेट किया, उन पे जब वो स्टोन पेल्टिंग करते थे पैलेट गन यूज़ करवा दिया, मैं बम दे बातचीत से नहीं, इन सब की नीयत ही ऐसी है। और आप ये छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा टाइम लगेगा, अभी देखिए जो 70 साल में इन्होंने किया है वो 6 साल में तो पूरा होगा नहीं, हम किसी को दोष नहीं देंगे कि 6 साल में हम पूरा भारत बदल देंगे, हर चीज़ का समय हर चीज़ का टाइम लगता है, और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ेगी और लड़ती आ रही है। गुपकार की बात करें, गुपकार अलायंस की, जिसे आप गुपकार गैंग कह रहे हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, 100 से ज्यादा सीटें उनको जो है पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मिली हैं, घाटी से ज्यादातर वोट मिले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी, लोगों ने क्योंकि ये 7 पार्टियां एक हो गई, इन्होंने उस टाइम भी इलेक्शन में ये मतलब एक पॉलिसी बनाई कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया, ताकि इन्होंने ये वहां पे फैला दिया कि ये RSS वाले आएंगे, ये हिंदू आएंगे, हमें अपने मजबूत करना, इन्होंने गुमराह कर दिया लोगों को। लेकिन फिर भी लोगों ने कैंडिडेट को वोट दिया, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ना कि PDP को, लोगों ने कैंडिडेट को वोट दिया, जिसको हराना था उसको वोट मिला नहीं, जिसको जिताना था उसको जिताया, लोगों ने कैंडिडेट को वोट दिया, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP देख के। क्या लगता है अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कौन सी राजनीतिक पार्टी बहुमत लेगी? देखिए लोगों को पता है, लोग मेजॉरिटी देंगे उसी पार्टी को जिसने काम किया, लोग मेजॉरिटी देंगे उस कैंडिडेट को जिसने ग्राउंड लेवल में सच में काम किया, चाहे वो NC का हो चाहे PDP का, लेकिन ग्राउंड लेवल में। बाकी ये गुपकार वाले जो जितना भी इस टाइम ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने BJP को हराया, हमने दूसरों को हराया, लेकिन ये खुद कुछ भी नहीं है, इन्होंने ग्राउंड लेवल कोई काम नहीं किया आज तक, ये खुद टोटल फेलियर है। और क्या लगता है आपको कि कब तक जो है कश्मीरी पंडित को घाटी वापस ले जाया जाएगा? देखिए हम तो वैसे हमारी ये मांग है कि कश्मीरी पंडितों के साथ 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए, क्योंकि जो कश्मीर जाना चाहता है वो जाए, क्योंकि आप देखिए कश्मीरी पंडित आप कोई 70 ईयर्स का है, कोई 80 ईयर्स का है, कोई 50, वो आप वहाँ पे दोबारा सेटल नहीं हो सकता है, इसीलिए हम यही केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कश्मीरी पंडितों का 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए, जो यहाँ रहना चाहता है वो यहाँ रहे, जो वहाँ जाना चाहता है वो जा सके, ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है। चलिए यूथ लीडर से बातचीत की हमने NCP के, और डिमांड कर रहे हैं कि आखिर कब तक जो है यूं ही बातें होती रहेंगी, आखिर कब तक कश्मीरी पंडितों को उनके अपने जो घर वापस लौटाया जाएगा, क्योंकि केंद्र ने तो बात कही कि उन्हें वापस उनके घर लौटाया जाएगा, लेकिन आखिर कब, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि तमाम अगर चुनावों की बात करें, चुनाव हो गए हैं यहाँ पर, लोकसभा चुनाव की बात करें वो भी हो चुके थे, और उसके बाद अब DDC BDC ये भी तमाम चुनाव हो गए, लेकिन अभी जो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है वो वहीं का वही है। आपको क्या लगता है ये खबर देकर आप